हेलो एवरीवन दिस सर दिदी कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर टेन क्लास ट्वेल्थ का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर हमने स्टडी किया था अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग वर्कर्स का मीनिंग दैन उसके बाद टाइप ऑफ वर्कर्स अब हमने स्टडी करना है आज तीन इंपोर्टेंट टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म अगर आप कोई टर्म समझ आ गई तो तो ही आपका भला होने वाला है वरना अगर ये टर्म समझने आए तो वो सारी जिंदगी कन्फ्यूज रहोगे सभी बच्चों किसी को समझने आते हैं अब जो हमारी टर्म है सबसे पहले लेबर सप्लाई दूसरी है लेबर फोर्स एंड थर्ड है वर्क फोर्स ये नाम दिखने में अगर कुछ किसी लेमैन से तुम पूछोगे लेबर सप्लाई क्या तो वो यही बोलेगा यार जितने लेबर की सप्लाई हो रही हो लेबर सप्लाई है लेबर फोर्स कहता वही लेबर फोर्स लेबर फोर्स से होता होगा वर्क फोर्स कहता वर्क फोर्स वर्क फोर्स होता होगा मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ जो काम में एंगेज है वही है तो कहता बात लेबर की हो रही है यहाँ पे लेकिन ये तीनों टर्म एक दूसरे से अलग है इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्या वो हमने क्लियर करना है चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात आती है लेबर सप्लाई देखो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है लेबर सप्लाई का मतलब होता है ऐसी लेबर से है जो वर्कर्स काम करना चाहते हैं ऐसे वर्कर्स जो willing है कि मार्केट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उसी के ऊपर वो व्हीलिंग हो जाता है कि हाँ जी हमें काम चाहिए ठीक है इस के अंदर हम देखते हैं विलिंगनेस यानी जो लेबर सप्लाई है इसके अंदर हमने देखनी है विलिंगनेस हमने एबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करना जैसे एक पर्सन है जैसे आप देखो कि एक टीचर जो है वो दस घंटे पढ़ा सकता उसकी इतनी एबिलिटी तो है लेकिन वो विलिंगनेस ये है कि बस मैं आठ घंटे ही पढ़ाऊंगा या सात घंटे ही पढ़ाऊंगा तो जितनी उसकी विलिंगनेस है वो हमारी लेबर सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी यानी अगर वो छः घंटे पढ़ाना चाहता तो छ घंटे सात घंटे तो सात घंटे यानी जितनी उसकी विलिंगनेस है वो यानी हम लेबर सप्लाई के अंदर मैन आर्स को काउंट करते हैं कि कितने घंटे वो पढ़ाना चाह रहा है फिर मैन कितने दिन हो रहा है यानी घंटे दिनों में इस तरीके से काउंट करते हैं ऐसे काउंट नहीं करते हैं कि दस वर्कर है पचास वर्कर है लेबर सप्लाई के अंदर हम घंटों के अकॉर्डिंग डेज के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं कि वो कितने घंटे कितने दिन वो काम करने के लिए विलिंग रहा उस पर्टिकुलर यानी एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर तो लेबर सप्लाई अगर हम डायरेक्ट पढ़ें देखो इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेजेज रेट्स सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन मैन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कॉन्स्टेंट कहता है सप्लाई है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है वर्कर्स वर्कर, वर्कर चार के चार है लेकिन लेबर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो जाएगी अगर वही चार वर्कर जितने घंटे पहले काम करने के लिए विलिंग थे अब उससे ज्यादा अगर काम करने के लिए यानी ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हो गए तो इंक्रीज होगी लेबर सप्लाई अगर कम घंटे के लिए रेडी हुए तो इसका मतलब डिक्रीज होगी वर्कर सेम रहे उनकी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड अगर ज्यादा काम करने के ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार है तो इंक्रीज होगी लेबर सप्लाई और अगर नहीं है तो इट मीन लेबर सप्लाई डिक्रीज होगी कम हो गई तो कहते तो बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज वन पर्सन डे रेफरिंग टू एट आवर्स ऑफ वर्क कहता कि अगर एक मतलब हम मान रहे हैं ना कि एक दिन एक दिन हम कैसे काउंट करेंगे कि एक पर्सन एक दिन में कम से कम आठ घंटे काम कर रहा है तो इट मीन्स उसका क्या बन गया एक दिन बन गया वो यानी अगर आठ घंटे किसी पर्सन ने काम कर दिया तो इट मीन्स वो एक दिन हो गया चाहे उसने एक रात भी एक रात में आठ घंटे काम किया और एक दिन में भी आठ घंटे काम किया तो हम उसको दो मानेंगे कि दो दिन हो गए ठीक है ऐसे लेबर फोर्स क्या होती है तो लेबर फोर्स का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और काम करना चाह भी रहे हैं यानी एक्चुअली वर्किंग और जो विलिंग टू वर्क है इसका वेज रेट से कोई मतलब नहीं है ठीक है लेबर फोर्स का क्या मतलब है ट्रैफर्स द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट वेज रेट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है वो सारे पर्सन इसके अंदर काउंट होंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और काम करना चाह भी रहे हैं कहता है बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन नॉट इन टर्म्स पर्सन डेज इसके अंदर डेज यानी कि आदमी कितने घंटे काम कर रहा है आदमी कितने दिन काम कर रहा है ये काउंट नहीं हो रहा इसमें काउंट हो रहे हैं वर्कर्स पर्सनस ठीक है साइज ऑफ लेबर्स और फोर्स जो इंक्रीज और डिक्रीज तभी होगा जब पर्सन का जो नंबर है वो एक्चुअली जो वर्किंग है वो विलिंग है वो काम करने के लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज होगा तो हमारा लेबर फोर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज़ हो जाएगा ये दोनों टर्म्स क्लियर हुई लेबर सप्लाई के अंदर हमने क्या देखना है लेबर सप्लाई के अंदर हमने घंटे देखने हैं कि वो कितने मतलब अगर हमने आठ घंटे बना दिए कि आठ घंटे अगर एक पर्सन काम करने के लिए तैयार हो जाता तो इट मीन्स एक दिन बन गया अब वो पर्सन चाहे उन घंटों को किसी तरीके से एडजस्ट कर रहा है लेकिन अगर उसने वो आठ घंटे कंप्लीट कर दिए तो उसका एक दिन मान आ जाएगा लेकिन लेबर फोर्स के अंदर हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि कौन बंदा काम करना चाह रहा है और काम कर रहा है ठीक है उसको हम लेबर फोर्स में काउंट करते हैं और वर्क फोर्स के अंदर हम केवल उन पर्सन को काउंट करते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं कि पर विलिंगनेस हट जाती है यानी ऐसा नहीं है जैसे कि अब मैं चाह रही हूं कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूं ठीक है मैं चालीस बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूं ठीक है लेकिन मैं पढ़ा नहीं रही मतलब मैं चाह रही हूँ विलिंगनेस है मेरे अंदर लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रही वो काम तो अगर मैं एक्चुअल में वो काम नहीं कर रही तो इससे वो लेस हो जाएगा मतलब वर्क फोर्स के अंदर केवल वही काम ऐड होगा जो एक्चुअल में किया जा रहा है यानी वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क ऐसे जो काम नहीं कर रहे लेकिन काम करना चाह रहे हैं उनको अगर हम रिड्यूस कर दें घटा दें लेबर फोर्स में से तो हमारा वर्क फोर्स निकल के आ जाएगा दोबारा तो बता रही रहे हूं, वर्क फोर्स का मतलब होता है एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं पर्सन केवल वही इंक्लूड होंगे जो पर्सन काम करना चाह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं हम करना चाह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे जैसे लेबर फोर्स के अंदर दोनों इंक्लूड थे तो अगर लेबर फोर्स में से हम जो विलिंगनेस वाले हैं यानी जो विलिंग है काम करने के लिए उनको लेस कर देंगे लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क ठीक है अगर उनको लेस कर देंगे तो हमारी वर्क फोर्स निकल के आ जाएगी और अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि कितने पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे ठीक है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स तो हमारे कौन से पर्सनस आ जाएंगे जो पर्सन हमारे अनएम्प्लॉयड हैं ठीक है तो हमने आज ये इम्पोर्टेंट टर्म्स की लेबर सप्लाई लेबर फोर्स एंड वर्क वर्क फोर्स ठीक है आई थिंक आप सबको क्लियर होगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर कीप वॉचिंग